Appena di chi? Di Roma. तो जैसा कि मैंने लास्ट पोल किया हुआ था, आपको हॉन्टेड कैंपिंग देखनी है सोलो या डो, तो आपने वोट किया था डो में। तो अपने साथ हैं करण भाई जो कि आगे से चल रहे हैं, बाकी उनको अभी पता नहीं है ये लोकेशन कैसी है और आपको भी नहीं पता होगा तो वो अभी आपको बताऊंगा, लेकिन करण को अभी थोड़ी देर में बताऊँगा क्योंकि ऐसे उसको बताऊँगा तो वो डर जाएगा। चलिए भाई, बस अपने कैंपिंग लोकेशन में पहुँच ही गए, बस थोड़ा सा ये वाला एरिया पार करना है और सीधे हम पहुँच जाएंगे अपने कैंपिंग स्पॉट पे। बाकी ये देखो, आपको दिखा रहा हूँ, बस देख रहे हो ये नॉर्मल कपड़े नहीं हैं, देखो ये आपको पूरा पूजा का सामान लग रहा होगा, मैं इसमें हाथ नहीं लगाऊँगा। देखो चूड़ियाँ, अगरबत्ती, ये बिंदी, ये टीका, ये देखो कोम्ब कंगी, और ये देखो इसमें आई थिंक रुई वगैरह कुछ है, ये तेल की बॉटल। देखो भाई इसने तो अभी से डरा दिया, इतनी सारी ये चीज़, तो ये चीज़ नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये पूजा वगैरह, ये पूजा वगैरह का सामान है, सॉरी। तो चलते हैं अपने कैंपिंग लोकेशन में, आज देखते हैं कैसी अपनी हॉन्टेड कैंपिंग रहती है, ठीक है। ओके गाइस, तो स्वागत है मेरे एक और नए नाइट कैंपिंग वीडियो में। करण कैसी लगी लोकेशन? अच्छी है ना, रिवर साइड बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो और इस साइड पे पेड़ हैं, बाकी इस साइड भी रिवर और इस साइड भी रिवर, तो आज बिल्कुल बीच में हम कैंपिंग करने वाले हैं। और एक नोट है, अगर रेनी सीजन है, बारिश का मौसम है, तो ऐसे ना कभी भी इन एरियाओं में कैंपिंग नहीं करनी है, क्योंकि कभी भी रिवर का फ्लो बढ़ सकता है और बाढ़ आ सकती है, तो आप टेंट के साथ बैठ सकते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना। अभी रेनी सीज़न नहीं है और बारिश के भी कोई चांसेस नहीं है, तो इस वजह से हम यहाँ पे कैंपिंग कर रहे हैं। देखो आज की कैंपिंग ना बहुत हो रही है, रिलैक्सिंग भी और एडवेंचरस भी, फुल ऑफ एडवेंचर है। तो रास्ते मैंने आपको दिखा दिया था कि कैसी कैसी चीज़ें हमको दिखी थी, और अभी मैं फिर से लकड़ियाँ ढूंढेंगे तो तब जाके दिखाऊंगा। बड़े बड़े ना पत्थर यहाँ पे से साइड करते हैं,
बस थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है, तो अब हम कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करेंगे रात के बॉनफायर के लिए। तो देखो यहाँ पे कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी हैं, ये भी पता नहीं किसी ने जला रखी है यहाँ पे, कुछ शायद लग रहा है मेरे को। क्या है समझ आ रहा है कुछ? चलल हमको जो लग गया करण ने ये देख लिया, वो समझ गया ये क्या चीज़ है घर की। ये भाई लगभग थोड़ी बहुत लकड़ियाँ काट दी हैं और अब थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, क्योंकि थोड़ा देर बाद ना फिर अंधेरा हो जाएगा, तो थोड़ा सा एडवेंचर फिर अपना शुरू हो जाएगा। चेस करना चेस। ओए होए मज़ा आ गया। कितना बड़ा बनाना है? शुरुआत हो चुकी है दोस्तों अपनी हॉन्टेड कैंपिंग की। पता नहीं यार अभी तक हेडलाइट जल रहा था एकदम से, इसको भी पता नहीं क्या हो गया, जल नहीं रहा। चूल्हा आपने बना दिया, बस इसके बाद आग जलाते हैं। क्या हो गया इसको? ओके दोस्तों आग प्रॉपरली जल गई है, बाकी हैं जल गई ना जल्दी, ये बड़ी लगने लगा ना, ये जल जाएगी बड़ी नहीं जल जाएगी। तो ना टाइम से अपना कुकिंग का काम कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ना लोकेशन सेफ नहीं है, तो ज़्यादा देर आज हम बाहर रहेंगे नहीं। क्यों करण
टाइम से अपना डिनर बना लेते हैं। बाकी चाय वाय कुछ पीने का मन नहीं है क्योंकि अभी हमने कोल्ड ड्रिंक पी है और अब गर्मी के दिन आ गए हैं तो थोड़ा सा चाय वाय थोड़ा सा कम ही रहेगा। पानी की कुछ कमी नहीं है ना, अच्छे से वॉश कर लिए। लगभग जो मैंने वो चीज़ें देखी थी ना अपने को, वो यहाँ पर से 10 मीटर दूर है, 10 मीटर दूर है। तो भाई पूरे रिस्क में कैंपिंग की जा रही है बस सिर्फ आपके लिए। तो अब कर लूँगा मैं चॉपिंग वगैरह, ठीक है। सबसे पहले प्याज छीन लेते हैं, बाकी देखते जाइए आप क्या बना रहे हैं। आज तो लग रही है भाई, डर लग रही है क्या? करण को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का। मैं अगला स्टेप जो करूँगा ना उससे आप समझ जाएंगे कि क्या बन रहा होगा, ठीक है। बस अब आप समझ ही होंगे। करण समझा? नहीं तो नहीं समझा। क्या बन रहा है वैसे? हाँ करण को भी पता नहीं है, देखते जा करण क्या बन रहा है। आई थिंक करण फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा है ये चीज। बाकी ना अजीब अजीब कीड़े अजीब अजीब कीड़ों की आवाज़ आ रही है, बिल्कुल नई नई सुन रहा हूँ मैं। बाकी एक चीज़ तो होगी वो अपनी ना हेडलाइट है, वो अभी जल नहीं रही, पता नहीं क्या हो गया उसको। अभी हमें बस दो ही चीज़ों की आवाज़ आ रही है, पानी और जो कीड़े वगैरह ना आवाज़ कर रहे हैं उनकी। उसके सिवा बिल्कुल सन्नाटा है आसपास ऐसे ही। मुझे निकाली और दोबारा दोबारा निकाल, ये देखना करण ने एग्जैक्ट बिल्कुल कीड़ों की तरह आवाज़ निकाली। सारी चीज़ों को मैनिपुलेट करेंगे। अभी एक दो लगने वाला लगा लें, आग बुझ रही है। एक बार ना मैरिनेट करूँगा, स्पून मेरा अंदर ही रहेगा। चलो कोई नहीं, ढकने अभी अपने पास लिमिटेड है ना। दही ऐड करता हूँ सबसे पहले। रेड चिल्ली पाउडर, धनिया, नमक, हल्दी,
आग चल गई भाई। हाँ ठीक। तो चलिए भाई सारे मसाले ऐड कर दें और अब इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेते हैं ताकि सारे मसाले हर एक चीज़ पे लग जाए और हर एक मसाले का टेस्ट आए। ठीक है चलिए भाई सारे मसाले ऐड हो चुके हैं हर एक चीज़ पे, शिमला मिर्च प्याज टमाटर पनीर पे। तो ना अब इसको लगभग 20 मिनट तो रखूँगा ही ताकि थोड़ा बहुत ना मसाले इसमें चिपक जाए। ठीक है रात के 9 बज चुके हैं और अपना ना इसको रखे हुए हमारे 20 से 25 मिनट हो चुके हैं मैरिनेशन के लिए। तो अब सारे मसाले इसमें मिक्स हो गए होंगे और यार ऐसी छोटी मोटी आवाज़ें आ रही हैं बट वो आपको नहीं सुनाई देगी बट हमें सुनाई दे रही है तो मैं ज़्यादा उसके बारे में बता नहीं रहा हूँ। ये है ना बाकी ऐसी छोटी मोटी आवाज़ें बहुत सारी आ रही हैं बट वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। वो हम सुन रहे हैं और बस देख रहे हैं आगे पीछे की कोई है या नहीं करके। पिन ड्रॉप साइलेंट है, इसको पानी की आवाज़ आ रही है बस। इसके ऊपर रखेंगे नेट। ठीक है अपने पास ना सीख भी है होने को बट इस ये अच्छा काम करेगा उस चीज़ के लिए तो हम डायरेक्टली ना इसको सीधे इसके ऊपर रख देंगे। क्यों करण? हाँ और ऐसे में थोड़ा सा टाइम भी कम लगेगा। गर्मी से हालत खराब होगी लेकिन इस चीज़ में ना अच्छे से ध्यान देना पड़ता है फिर वरना जल भी जाता है। कैसे बताऊँ ऐसे एक साइड से जल गया, गिर भी गया लेकिन चलो कोई बात नहीं, दो पनीर के पीस गिर गए अग्नि में। बटर की बारिश इसमें हो चुकी है साथ में अब नींबू की बारिश करते हैं। ठीक है हाय 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 बहुत टाइम हो गया था बारबेक्यू नहीं खाए हुए तो आज बढ़िया सा पनीर टिक्का एंजॉय करेंगे इसको अगले साइड में। और साथ में सोचा था मैंने बढ़िया चिकन सूप बनाऊंगा बट भाई साहब इतनी गर्मी होगी अब वो चिकन सूप पीने का मन ही नहीं कर रहा है। चलो भाई टेस्ट करो। करण भाई का पहली बार है ना टमाटर, टमाटर मना किया था खाने को, खा लो कोई नहीं मजा कर, टमाटर मेरा फेवरेट है। हैं मजा आया? चलो ये देखो भाई अच्छे से रोस्ट हो रखा पनीर और बटर लगा हुआ है। नींबू खट्टा मीठा इसके जाने नींबू, अगर नींबू नहीं होगा ना मज़ा नहीं आएगा। मज़ा नहीं आएगा एक टाइम के लिए बटर नींबू होगा चलेगा, नींबू
कंपलसरी भाई। पैर में ठंडा रखना। ये देखो यार बटर टबक रहा है। तो अच्छा इस साइड से ज़्यादा जल गए बट ठीक है। जले में भी मज़ा आता है। मज़ा आ रहा है जनाब तो। जितनी तारीफ हो रही है उतनी कम है यार। चिकन से भी अच्छा। इसको फिनिश करते हैं। बाकी अगर रात को भूख लगेगी तो अपने पास गैस बर्नर भी पड़े, सूप बना सकते हैं। ठीक है हाँ बता देना भूख लगेगी तो। मेरा तो हो गया इनफ है, हो गया मेरा। सुबह खाएंगे बस, अब रात को कोई प्रॉब्लम ना हो। डरते नहीं ठीक है ना, नॉर्मल ये सोच के रहना कि बढ़िया जगह पे है। ठीक है कुछ भी हो सकता है। बढ़िया से अपना डिनर हो चुका है। बाकी अब ज़्यादा देर बाहर रहना थोड़ा सा अनसेफ है। और ना जितनी भी लकड़ियाँ थी हमने लगा दिए। बाकी ये थोड़ी सी बड़ी लकड़ी अगर ये जलेगी ना ये पूरी रात अपना साथ देगी। और देखो हल्के फुल्के स्टार्स हैं रात ये आसमान में, और हाफ मून था वो भी यार इस पहाड़ी के पीछे चले गया। तो अपना सीधे चलते हैं टेंट के अंदर। बाकी करण स्लीपिंग बैग खोली ना। हाँ ठीक है मैं भी आ रहा हूँ। बस ये आग जल्दी रहनी चाहिए और बस पानी की आवाज़ आ रही है अभी तो बस। चल सोच अभी खोल रहा हूँ मैं, मुझे याद ही नहीं थी यार सॉरी। जैसे आग तो जल रही है और वेपन्स रख लेते हैं अंदर ही, ये बहुत जल्दी है। फोन अंदर और टेंट क्लोज करते हैं अब सोते हैं। ठीक है बाहर में आग जला के आ गया। ठीक अपने इस साइड पे रखना और मैं इस साइड करता हूँ। आग दूंगा कहेगा चलो ऐसा। तुम स्लीपिंग बैग सो, मैं सो रहा है मैं सो मैं सो जाऊँ पक्का चले रहा हूँ। मुझे कम्बल वगैरह ये चीज़ें, उतनी गर्मी है उतनी ठंड नहीं है बक। आज ठंड से उतना हमें प्रॉब्लम नहीं है। जो अपनी हॉन्टेड कैंपिंग चल रही है बस ऐसी कुछ ज़्यादा आवाज़ ना आए। आवाज़ें बहुत चीज़ों की आई है, पत्थर टकराने की ये चीज़ वो चीज़, अब वो मैं चीज़ आपको बता नहीं रहा हूँ क्योंकि वो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाई होगी ना वो वॉइस। अगर एक्सटर्नल माइक होता तो ज़रूर से वो आवाज़ रिकॉर्ड हुई होती। तो चलिए जो कभी देखा जाता है बिल्कुल। देखो 9:50 होने वाले लगभग, और अभी से वैसे नींद तो आ नहीं रही तो थोड़ा देर फ़ोन चलाएंगे और फिर आराम से सोएंगे। बाकी गुड नाइट दोस्तों, गुड नाइट। और कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे और आपसे शेयर ज़रूर किया जाएगा। तो बीच बीच में आग ठीक करनी पड़ेगी मेरे को। ठीक है आग क्या पता ही हवा चल रही है इधर बढ़ सकती है। चलिए दोस्तों गुड नाइट आपको। ठीक है